हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूर ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा शास्त्र से, एंड यानी कि इसके अंतर्गत आपका आता है डोपिंग, मसाज, इंजरीज एंड आपका जो आता है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, जल चिकित्सा, ठंडा चिकित्सा, बर्फ चिकित्सा एंड मोबाइल चिकित्सा, सभी चीज़ें स्पोर्ट्स मेडिसिन में आएंगे। तो ये सभी टॉपिक से वीडियो आज का है और इसमें आपका 6-7 वीडियो होंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन से, और 6-7 वीडियो के अंतर ही आपके सभी क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर नहीं आ सकते। किसी कारण से मैं 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। अब डेली बेसिस पे जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक डेली बेसिस पे आएंगे वीडियो। एंड दोस्तों, आपके पास बीपीएससी या ईएमआरएस के लिए टाइम नहीं है, और ये सभी वीडियो केवल बीपीएससी या ईएमआरएस के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे थ्योरी सेशन देखना चाहते हो, चाहे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सभी प्रकार के कॉन्टेक्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, समय नष्ट करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोकाइनेटिक रोग का कारण है। तो दोस्तों, हाइपोकाइनेटिक रोग जो होता है, हड्डियों का पेशी कमजोरी हो जाता है, यानी कि हाइपोकाइनेटिक जो रोग होता है, ये रोग का कारण हड्डियों पेशी कमजोर हो जाती है। हाइपोकाइनेटिक रोग वे स्थितियां हैं जो व्यायाम की कमी के परिणाम स्वरूप होता है। किसकी कमी के परिणाम स्वरूप? व्यायाम की कमी के परिणाम स्वरूप होता है। और गति जैसे हाइपोकाइनेटिक रोग मोटापा, मधुमेह, स्ट्रोक और हृदय रोग आदि उत्पन्न करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कि बहुत से खिलाड़ी ड्यूरेटिक्स का इस्तेमाल एर्गोजेनिक एड के रूप में करते हैं, परंतु ड्यूरेटिक्स के इस्तेमाल से क्या होता है? तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल से होता है मूत्र उत्पादन और ज्यादा होता है, ठीक है, और निकलना बढ़ जाता है, यानी शरीर से पानी जो है ज्यादा निकलता है। यह भार को कम करता है। ड्यूरेटिक्स क्या करता है? भार को कम करता है, यानी कि इसको हम वेट रिड्यूसिंग एड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट रिड्यूसिंग एड्स भी कहते हैं ड्यूरेटिक्स को। और यह ज्यादा पेशाब बनाता है और पानी मूत्र के रास्ते बाहर आ जाता है। 24 से 48 घंटे में लगभग 35% भार कम हो जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर भार वाले जुड़े खिलाड़ियों जैसे कि रेसलिंग, मुक्केबाजी एंड कबड्डी में होता है। अगर दोस्तों इसके 3 उपयोग होते हैं, भार को कम करने के लिए, डोपिंग को छुपाने के लिए एंड मासिक धर्म को समय को परिवर्तित करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स सीधे असर डालती है। तो दोस्तों, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स जो है सीधे कहां पे असर डालती है? तो दोस्तों, डोपिंग के बारे में मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में बनाया हुआ है जो कोई नहीं बनाया है। अगर थ्योरी सेशन डोपिंग के बारे में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए खेल चिकित्सा के, उसमें आपको मिल जाएगा। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है सीधे मांसपेशी यानी मसल्स पर असर डालती है। दोस्तों, एनाबोलिक स्टेरॉइड खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है, और इसको शॉर्ट में हम एनाबोलिक स्टेरॉइड को AAS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AAS। ए से तात्पर्य होता है एंड्रोजेनिक, दूसरा ए से तात्पर्य होता है एनाबोलिक, ठीक। एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्कुलिनिटी, और एनाबोलिक से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण। यह जो होता है एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है पेशियों की ताकत और सहनशीलता में असीम वृद्धि कर देता है, और मानसिक रूप से अपने को मजबूत समझने लगता है व्यक्ति। और इसके अंतर्गत दोस्तों, जब महिलाएं इसका सेवन करती है तो पुरुष के गुण आने लगते हैं, जैसे आवाज भारी होना, दाढ़ी मूछाना, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत एजेंट्स आते हैं जैसे कि नेडोलोन, एस्टेनोजोल, टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबोलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मेटियोनोन एंड टेट्रा हाइड्रोजेस्टिनोन, स्टाइनोन आदि आते हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, केंद्रीय स्नायु तंत्र में कौन सी दवा के प्रभाव से दर्द का अनुभव कम हो जाता है? तो दोस्तों दर्द का कम करने के बात आया है तो कौन हो जाएगा? तो दर्द को कम करने का दवा होता है आपका नार्कोटिक्स। क्या होता है? नार्कोटिक्स, जिसे हम कहते हैं कैरियर एडिंग इंजरी भी कहा जाता है। नार्कोटिक्स दोस्तों पॉपी नामक पौधे से ओपियम यानी अफीम से तैयार किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा दर्द निवारक यानी कि पेन किलिंग इफेक्ट छोड़ती है। ये दवाइयाँ जो है एथलीट के चोटों से उत्पन्न दर्द को समाप्त करने में प्रयोग होती है, यानी उन खेलों में सबसे अधिक नार्कोटिक्स का प्रयोग होता है जिसमें दर्द होने की संभावना होती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी। यह एर्गोजेनिक एड्स दुर्ग नहीं माना जाता दोस्तों। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डोपिंग के अंतर्गत एर्गोजेनिक दुर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका नार्कोटिक्स नहीं आता। जैसे कि दोस्तों भारोत्तोलन में कोई भार उठाने के पश्चात क्षमता से अधिक भार उठाने का प्रयास करता है, जिससे जो है दर्द होता ही नहीं है और अधिक भार उठा लेता है, जैसे पेशियां जो है टूट जाती हैं, इसलिए इसको कैरियर एडिंग इंजरी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि 1963 में बाल्टीमोर कोर्स की मृत्यु इसी को लेने से हो गया था। जैसे कि दोस्तों नार्कोटिक्स के अंतर्गत मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडीन, एल्फाप्रोडाइन, एनिलेडाइन आता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा मॉर्फिन। कौन हो जाएगा ऑप्शन राइट? मॉर्फिन। दर्द की बात कहा है, मॉर्फिन हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ड्रग की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों नार्कोटिक्स आता है, डिप्रेजेंट्स आता है, स्टिमुलेंट्स आता है, डिपेंडेंस नहीं आता है। ये तो देखने से ही आपको पता चल रहा है। डिपेंडेंस मतलब एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी पर आश्रित होना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ड्रग जिसकी सेवन से केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एम्फेटामाइन। क्या कहते हैं? एम्फेटामाइन। दोस्तों एम्फेटामाइन जो है इससे हमारा जो सीएनएस जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो उत्तेजित हो जाता है। व्यक्ति को तत्परता, एकाग्रता तथा दर्द का आभास नहीं होने का फायदा होता है, ठीक है। और इसे हम साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स, सिंपैथोमिमेटिक एमेंस के रूप में भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत आपका आता है एफेड्रिन, एम्फेटामाइन, कोकीन, कैफीन, एफेड्रिन, मिथाइल, एक्जामिनाइन, बीटा एगोनिस्ट आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों क्रायो चिकित्सा, जिसे हम ठंडा चिकित्सा कहते हैं, कंट्रास्ट बाथ जिसमें ठंडा और गर्म पानी का प्रयोग होता है, वर्लपूल बाथ जिसमें हम एक बायोसिन लॉ के टेक्निक के द्वारा घुमाते हैं, एंड ये तीनों आपके जल चिकित्सा के अंतर्गत है, बट वैक्स बाथ जो है मोम चिकित्सा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इन्होंने WHO के द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी से ठीक होने का नाम नहीं है, अपितु स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह ठीक होने का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना, वाडा की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो वाडा की स्थापना हुआ था 10 नवंबर 1999 को, ठीक है। 10 नवंबर 1999 को इसका स्थापना वाडा का हुआ था, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का, और स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कनाडा के मार्टियर शहर में है, और वर्तमान अध्यक्ष है वाडा के विटोल्ड बांका। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आपको मिलान करना है, तो आपको एकदम ध्यान से मिलान करना है। आपको डोपिंग के सभी टॉपिक को थ्योरी सेशन पढ़े हैं तो आराम से आंसर दे लिए होंगे। जो भी थ्योरी सेशन को अच्छे से कंप्लीट किया होगा उसको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि मॉर्फिन अभी मैं जस्ट बताई हूँ किसके अंतर्गत आता है, यह नार्कोटिक्स के अंतर्गत आता है। मॉर्फिन किसके अंतर्गत आता है? नार्कोटिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि A का 3 हो जाएगा, तो A का 3 हो जाएगा।
मेरी जुआना, मेरा जुआना जो गांजा होता है ये कैनाबिनोइड्स के अंतर्गत आता है, जो हमारे साइको मोटर मतलब इसको अवसाद उत्पन्न कर देता है एक प्रकार का। तो जो आपका मेरा जुआना है ये आ जाता है कैनाबिनोइड्स के अंतर्गत, ठीक है। बी का आपका हो जाएगा 4 हाइड्रोकार्टिसोन, ये हो जाएगा ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड। सी का हो जाएगा आपका 5 अब है एटिनालोन, एटिनालोन किस में आ जाएगा दोस्तों, या बीटा ब्लॉकर्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से प्रदर्शन सहायक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। तो दोस्तों वर्धक हार्मोन है, एथ्रोपोटिन्स है, जबकि आपका अमीनो एसिड एंड क्रेटाइन नहीं है, अमीनो एसिड एंड क्रेटाइन नहीं है, ए और सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिलान करना है आपको एम्फेटामाइन्स, ए क्या है एम्फेटामाइन्स, एम्फेटामाइन्स क्या है, यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, तो इसका हो जाएगा आपका 4, ए का 4, ठीक है। अन एस्कॉर्बिक अम्ल, अम्ल है तो क्या करता है, जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो जो अमीनो अम्ल होता है आपका वो रक्त में अमोनिया को साफ करता है, एस्पार्टिक अम्ल जो होता है रक्त में अमोनिया को साफ करता है, तो बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्कलाइन, अल्कलाइन क्या करता है, यह बफरिंग प्रणाली को शुरू करता है, किसको बफरिंग प्रणाली को शुरू करता है, जिसमें रक्त में हमारे शरीर में स्टेमिना बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है। एंड कैफीन क्या करता है, वसा के उपापचय को शुरू करता है, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि जो चाय कॉफी शीतल पेय पदार्थ आहार की गोलियों आदि में पाया जाता है वह क्या है, तो वह है आपका कैफीन, जो स्टिमुलेंट्स यानी कि उत्तेजक के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो कैफीन होता है विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उत्तेजक है, जो एक कप कॉफी में इसकी मात्रा कैफीन का लेने से 100 से 150 मिलीग्राम कैफीन प्राप्त होता है, और इसके कॉफी लेने से 15 से 20 मिनट बाद इसका असर होता है, यानी कि यूरिन में कैफीन की मात्रा अगर 12 UG प्रति ml से अधिक हो पाया गया तो डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित माना जाता है, और यह मात्रा 4 कप कॉफी लेने के पश्चात आती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्न में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है, तो कोकीन पर है, मैराजुआना पर है, एफिड्रीन पर है, बट शराब में नहीं है, शराब पर प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स किसमें मदद करता है दोस्तों, तो ऐसा साधन जो आपके परफॉर्मेंस को, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को बढ़ाए, इनहेंस करे, चाहे आप फूड सप्लीमेंट ले, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग ले, प्रोटीन सप्लीमेंट ले, चाहे आप अच्छे उपकरण का प्रयोग करें, और चाहे दर्शक आपको उत्साहित करें, ये सभी जो है एर्गोजेनिक एड्स के अंतर्गत आता है। तो ये शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाते हैं और एकाग्रता को बढ़ाते हैं, तो ए और 2 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर, तो ये क्या करता है, सहनशीलता को एकाग्रता को बढ़ाता है, ठीक है। एर्गोजेनिक एड्स के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो खेल चिकित्सा के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पे डोपिंग, एर्गोजेनिक एड्स, ब्लड डोपिंग, जिन डोपिंग, सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुद्दल दवा यानी डायुरेटिक्स की बात कर रहा है, किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो दोस्तों
यहाँ भी देख सकते हैं दर्द को कम करने के लिए न्यूरोटिक्स किया जाता है, ध्यान बढ़ाने के लिए आपका बीटा ब्लॉकर्स किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही नहीं दिया है। यहाँ पे इसमें बुक में मान लिया है रक्तचाप कम करने के लिए, ड्यूरेटिक्स का जो प्रयोग होता है भार को कम करने के लिए होता है और डोपिंग को छुपाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचय स्टेरॉयड किस तंत्र पर काम करते हैं? तो उपचय स्टेरॉयड कहिए चाहे एनाबोलिक स्टेरॉयड कहिए, ये सीधा असर हमारे पेशियों पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? पेशियों पर, जो हमारी सहनशीलता को, पेशी सहनशीलता को स्टीम लेवल पर बढ़ा देती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों शराब एक प्रकार का सीएनएस उत्तेजक नहीं है, अवसादक है। सीएनएस को उत्तेजित करता है स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट यानी उत्तेजक पदार्थ, जैसे कि एम्फेटामाइन, कोकीन, कैफीन, एफेडिन, ये सब सीएनएस उत्तेजक है, जबकि शराब क्या है? सीएनएस अवसादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया? तो दोस्तों डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में, जिसमें आपका गुनर, जो स्वीडन के पेंटाथलिट था, गुनर ने लिंजेवाल पॉजिटिव पाया गया था। अब पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम केस कब पाया गया डोपिंग का? तो 1960 रोम ओलंपिक में पाया गया प्रथम केस, डेनमार्क का रोड साइक्लिस्ट न्यूड एलमार्क जॉनसन ने स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उसको मृत पाया गया था, और रोनिकल आयल एम्फिनामाइन जारी ले रखा था जो सहनशीलता को बढ़ाती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो ध्यान से मिलाइए। तो मेटेनोलोन, यहाँ पे जो आपको सबसे ज्यादा आ रहा है उसको पहले मिलाइए। यहाँ पे मेटेनोलोन क्या है? ये एनाबोलिक एजेंट्स है। क्या है? एनाबोलिक एजेंट्स है। मेटेनोलोन क्या है? एनाबोलिक एजेंट्स है, तो ए का थ्री हो जाएगा। कोरियोनिक क्या है? कोरियोनिक, तो ए, एक आपका कोरियोनिक जो है आपका हो जाएगा पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। सल्ब्यूटामोल क्या है? सल्ब्यूटामोल जो है आपका बीटा एगोनिस्ट के अंतर्गत आता है। एंड डेस्मोप्रेसिन जो होता है वो डायुरेटिक्स के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने कब नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL को मान्यता दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 सितंबर 2008 को। नेक्स्ट दोस्तों कि ड्रग जो सुसुप्त करती है, तो यहां पे देखिए डायुरेटिक्स जो है वो सुसुप्त नहीं करती है, सीरस को उत्तेजित करती है। नार्कोटिक्स जो है दर्द को कम करती है, स्टिमुलेंट जो है, डायुरेटिक्स जो है भार को कम करता है, नार्कोटिक्स दर्द को कम करता है, स्टिमुलेंट जो है सीरस को उत्तेजित करता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन का आपको कारण मिल गया। अब ऑप्शन आपका सी ही राइट होगा, सेडेटिव जो सुसुप्त करती है, ड्रग सुसुप्त करती है हमारे शरीर को, जिसे डाइपेजॉम एंड लोरापेजॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग परीक्षण में किसकी जांच की जाती है? तो आप सबको पता है रक्त एवं मूत्र की जांच की जाती है। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? तो यहाँ में रिक डोमेन, बेन जॉनसन, डियोगो मैराडोना, ये तीनों के तीनों रक्त के डोपिंग के दोषी हैं, बट कार्ल लुइस नहीं है। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न से कौन डोप यानी कि मादक औसत के वर्ग में नहीं आता? तो दोस्तों अभी जस्ट में बताई ही कि एर्गोजेनिक सहायक आता है, कैफीन आता है, बट आपका नार्कोटिक्स नहीं आता, नार्कोटिक्स नहीं आता, यानी कि खिलाड़ी द्वारा खेल प्रदर्शन श्रेष्ठता अर्जित करने के अभिप्राय से रासायनिक तथा अन्य दूसरे पदार्थों को अपने शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। मादक औषधि के अंतर्गत एर्गोजेनिक सहायक कैफीन आते हैं, बट निकोटिन आपका मादक औषधि के अंतर्गत नहीं रखा गया है, अलग रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, FIMS का मतलब क्या है? तो दोस्तों FIMS का पूर्ण रूप होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो दवाइयां पेशियों का परिणाम बढ़ाती है और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक समय देती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पेशी 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 के परफॉर्मेंस के बाद आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, खेल दवाई क्षेत्र में यह सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे खेल दवाई क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? पोषण और आहार भी है, चोट से बचना उसका इलाज भी है, तैयार करना प्रशिक्षण भी है, खेल की अभिवृद्धि में सहायता करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं, जिससे रक्तचाप में कमी आती है और एकाग्रता बढ़ती है? तो दोस्तों स्पेशल गेम में इसको रखा गया है, इसमें आपका बीटा ब्लॉकर्स जो होता है हमारे एकाग्रता लेवल को क्या करती है? बढ़ा देती है। एकाग्रता लेवल को क्या करती है? बढ़ा देती है। तो यहाँ पे हृदय कंपन को कम कर देती है, शरीर के कंपन को कम कर देती है। तीरंदाजी एंड निशानेबाजी आपका राइट होगा, ठीक है। या बीटा ब्लॉकर्स खिलाड़ियों के सेवन करने से वास्तव में हृदय की धड़कनों की दर और हाथों की कपकपी को कम कर देता है, जैसे निशान जो एकाग्रता वाले खेल होते हैं, तीरंदाजी, निशानेबाजी, गोल आदि के खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन बढ़ाने के लिए इसका प्रदर्शन प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट से लिए जाते हैं, वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं? तो दोस्तों ये सब दर्द निवारक है। नारकोटिक्स क्या है? दर्द रिड्यूसिंग ड्रग है, ठीक है। तो यह आपके दर्द विरोधी दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसके रूप में? दर्द विरोधी दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है कि इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेता है? तो दोस्तों मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ग्लूटामाइन लेता है। क्या लेता है? ग्लूटामाइन, यानी कि ग्लूटामाइन का दूसरा नाम ग्लूटामाइड है। यह शरीर की प्रतिरोधक कार्य प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी फूड सप्लीमेंट के रूप में ग्लूटामाइन लेता है या प्रोटीन के बायोसिंथेसिस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का प्रोटीन का ही एक दूसरा रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार की स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार की स्टेरॉइड का सेवन करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टेकिंग। क्या कहते हैं? स्टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को छोड़ने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय बनाए जाते हैं, जैसे कि एनक्लोजर प्रदान करना, रोशनदान लगाना, हवा को शुद्ध करना आदि। किस रूप में जाना जाता है? यह संरोधन के रूप में यानी कि कंटेनमेंट के रूप में, रोकथाम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई? दोस्तों तो यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना किया गया भारत सरकार द्वारा 24 नवंबर 2005 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एंड दोस्तों इसका जो चेयरमैन होता है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया होता है। एंड वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल है सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको मिलान करना है यहाँ पे तो यहाँ पे 35 का मिलान करना है, तो ध्यान से मिलान करिए। तो यहाँ पे साइकोमोटर स्टिमुलेंट, अभी मैं जस्ट बताई थी साइकोमोटर स्टिमुलेंट आपका है क्या? एम्फिटामाइन। क्या है? एम्फिटामाइन। साइकोमोटर स्टिमुलेंट क्या है? एम्फिटामाइन। एंड बी है सिंपैथोमिमेटिक एमिन्स,
साइकोमेटर इंस्ट्रूमेंट आपका होगा एफिडामिन, सिंपेथोमिमेटिक एमिस जो होता है आपका होगा एफिडिन, बी का फोर हो जाएगा, ठीक है। एंड नार्कोटिक्स एनालिजिक्स जो होता है आपका वो मॉर्फिन इसके अंतर्गत आता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड में एस्ट्रोनाजोल आता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे आपको फिर से मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका बीटा टू एगोनिस्ट ये आपका हो जाएगा अस्थमा रोगी के में काम आता है उसको अच्छा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बी का 3 हो जाएगा, अस्थमा के लक्षणों को कम करता है बीटा टू एगोनिस्ट। या हिमी ये आपका वास्को डिलेटर आपका राइट हो जाएगा, बी का 4, ए का 3 बी का 4। एंड बीटा एल ए नाइन आपका हो जाएगा अनावश्यक अमीनो अम्ल को कहते हैं बीटा एल ए नाइन। फॉलिक एसिड क्या होता है, एरोबिक क्षमता को बढ़ाता है, फॉलिक एसिड एरोबिक क्षमता को बढ़ाता है, डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आप मिलान करिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बोरान है, बोरान क्या करता है, बोरान सेलुलर बोरान जो होता है कॉर्टिसोल स्तर को कम करता है, क्या करता है कॉर्टिसोल स्तर को कम करता है, बोरान कॉर्टिसोल स्तर को कम करता है, तो ए का 3 हो जाएगा। एंड राइबोज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है, तो ये आपका बी का 4 हो जाएगा। एंड एफिड्राइन एच सी एल क्या करता है, तो एफिड्राइन एच सी एल जो होता है हृदय गति एवं रक्तदाब को बढ़ाते हैं, हृदय गति और रक्तदाब को बढ़ाते हैं। फास्फेट डिटाई सेराइन क्या करता है, या अतिरिक्त पेशी ग्लाइकोजन को करता है, ये आपका डी का 4 ही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे आपको बताना है कि जनवरी 2016 की वाडा सूची लिस्ट में प्रतिबंधित तत्वों और पद्धतियों में निम्न में से कौन सही है। तो दोस्तों जैसे कि डोपिंग को 2-3 भागों में बांटा गया है प्रतिबंधित के रूप में, एक ऑल टाइम बैन, एक इन कंपटीशन बैन, एक स्पेशल गेम में प्रतिबंधित, इतने भागों में बांटा गया है। तो ऑल टाइम बैंड में आपका एनाबोलिक एजेंट्स एंड पेप्टाइड हार्मोन्स, बीटा टू एगोनिस्ट, डिनोटिक्स आता है। और इन कंपटीशन बैंड में स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स, कैनाबिनोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है। एंड इन स्पेशल स्पोर्ट्स में आपका बीटा ब्लॉकर्स आता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि ड्यूरेटिक्स का सेवन सदैव प्रतिबंधित है, यानी कि ऑल टाइम बैंड है, ये भी राइट है, ठीक है, ये राइट है आपका। एंड बी है बीटा टू का सेवन सदैव प्रतिबंधित है, तो बीटा टू एगोनिस्ट का भी सेवन सदैव प्रतिबंधित है, ये भी राइट है आपका, दूसरा भी। एंड सी है कोकिंग का सेवन सदैव प्रतिबंधित है, तो ए नहीं है आपका, सदैव प्रतिबंधित नहीं है कोकिंग का सेवन, क्योंकि इन कंपटीशन में आपका प्रतिबंधित है, सदैव नहीं है, ऑल टाइम बैन नहीं है, सी गलती हो जाएगा। डी है कैनाबिनोइड्स का सेवन सदैव प्रतिबंधित है, तो दोस्तों कैनाबिनोइड्स का सेवन जो है वो सदैव प्रतिबंधित नहीं है, यह आपका इन कंपटीशन बैन है, तो सी और डी दोनों गलत हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स का सेवन गोल्फ में प्रतिबंधित है, तो यहाँ पे राइट है, बीटा ब्लॉकर्स जो है आपको कंपन को कम कर देता है बॉडी के, तो ए गोल्फ यानी गोल्फ है तीरंदाजी निशानेबाजी में प्रतिबंधित है, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नार्कोटिक्स का सेवन केवल प्रतिस्पर्धा में प्रतिबंधित है, सही बात है, इन कंपटीशन बैंड है, तो ये आपका केवल सी और डी गलती है और सब सही है, तो ए बी ई एफ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विषाक्त अधिक मात्रा होने के कारण
होने वाले मौतों के लिए कौन सा पदार्थ कोई भी अन्य पदार्थ से ज्यादा जिम्मेदार है? तो शराब एक ऐसा है कि अन्य पदार्थों से मौत के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। क्यों? कि शराब यानी अल्कोहल में जहर की अधिक मात्रा होने के कारण होने वाले मौतों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि थनोलोल यानी अल्कोहल युक्त एक पेय है जो मादक पेयों के समानांतर तीन सामान्य वर्गों में विभाजित किया गया है, बियर, वाइन एंड स्प्रिट्स। बियर, वाइन एंड स्पिरिट्स। इसलिए अल्कोहल में थनोलोन की अधिक मात्रा होने पर लोगों की मौतों के लिए अधिक जिम्मेदार है। एंड क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आपके जीके जीएस में आ सकता है। तो सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादक राष्ट्र है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दुनिया भर में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, देख लीजिएगा इसको। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है, शराब एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो शराब एक प्रकार का सियानक अवसादक है, उत्तेजक नहीं है। उत्तेजक आपका स्टिमुलेंट्स है, जैसे कि कोकीन, कैफीन, एफेडिन, ठीक है, ये सब उत्तेजक है, बट शराब क्या है? अवसादक है। यानी कि ये हमारे तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवसाद में करता है। इसका प्रभाव रक्त में अल्कोहल के स्तर को बढ़ा देता है, और यही रक्त में 0.1 मिलीग्राम प्रतिशत वृद्धि हो जाती है थनोलोल की, तो यह डोपिंग के अंतर्गत आ जाता है। यह न्यूरोमस्कुलर संयोजन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, दो या दो से अधिक दवाओं का एक अंतःक्रिया जो इन दवाओं के अलग सेवन में अपेक्षित प्रभाव की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव पैदा करता है, इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है सहक्रियाशील। क्या कहा जाता है? सहक्रियाशील यानी साइनर्जिस्टिक कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 43 है, पट अवस्था में अर्थात छाती के बल लेटना और दाई बाह ऊपर की ओर और बाई बाह बगल में रखना, इसके बाद दाई बाह को सिर के बाई ओर उठाना और बाएं हाथ से नीचे दबाना और फिर बाएं नितंब को ऊपर उठाना, यह व्यायाम किस विकृति के लिए लाभदायक है? तो यह काइफोसिस यानी कुबड़ के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे 4-5 वीडियो अभी खेल चिकित्सा के अंतर्गत आएंगे, यानी कि 7-8 वीडियो आएंगे। यहाँ 7-8 वीडियो के अंतर्गत जो भी खेल चिकित्सा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में नहीं आ सकता, ऑल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में। बस मेरे साथ डेली बेसिस से बने रहिए, आपके सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने सभी टॉपिक को कवर करा दिया है, बस एक दो टॉपिक बचा हुआ है, ये खेल चिकित्सा बचा हुआ है बस। उसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस सेट उस प्रकार से कराऊंगी जो ऑल टॉपिक के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।